आज तक तुमने केवल लंका की खूबसूरती, उसका वैभव देखा है। आज तुम लंका का बल देखोगी, वो कारण देखोगी जो लंका को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। मत मोड़ो सीता, इस दृश्य को अपने मन में, अपने मस्तिष्क में सजा लो। ये जो रक्त है, ये हर सिंहासन की नींव है। फिर चाहे वो अयोध्या हो या लंका, इन राक्षसों को देख रही हो, मांस के भूखे हैं, मनुष्य का मांस बहुत भाता है इन्हें। तुम्हारे वनवासी को खाने में तनिक संकोच नहीं करेंगे। ये 10 कोटि राक्षस लंका का बल नहीं। आओ तुम्हें भय की परिभाषा दिखाता हूं। श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काटे मद श्री पग जहां पड़ते हैं वहां का मानचित्र बदल जाता है। यह मानचित्र छोटा है रावण के साम्राज्य के सामने, पर हमें नहीं पता कि रावण ने माता सीता को कहां छुपा के रखा है, क्या उसका साम्राज्य कितना बड़ा है। इसलिए हमें संसार के कोने कोने में माता सीता को खोजना होगा। एक दल पूर्व में जाएगी, एक उत्तर में, एक और मेरा सबसे योग्य दल हनुमान, चामवन, नल, नील और अंगद दक्षिण की ओर जाएंगे, जहां माता सीता के होने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। अंगद, तुम जाकर सभी वानरों को सूचित करो, मैं कुछ और तैयारियां करता हूं। सुग्रीव, हनुमान, तनिक रुकी। मित्र, क्या बात है, आप चिंतित लग रहे हैं। जो कहने जा रहा हूं
उसके लिए पहले से ही मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, किंतु मेरा विचार है कि माता सीता की खोज में हम वानर जाएं और आप लक्ष्मण भैया के साथ यहीं गिरिराज पर्वत पर रुकें। क्या ये कैसे संभव है वानर राज, भाभी माँ की खोज में हम दोनों ही ना जाएं? समझने का प्रयास करें भ्राता लक्ष्मण। एक कारण हम वानरों की तीव्रता है, वन में हमारी गति से मेल खाना बहुत कठिन होगा आपके लिए। और दूसरा कारण? भैया, महाराज सुग्रीव ने इस संसार के सभी वानरों को एकत्रित किया है प्रभु श्री राम के नाम पर, जिन वानरों में आपके बल और शक्ति के लिए श्रद्धा है, वो सभी वानर हमारी सहायता के लिए तत्पर हैं, और वो बस इसीलिए कि प्रभु श्री राम उनका नेतृत्व कर रहे हैं। वो सभी यहाँ इस गिरिराज पर्वत पर आएंगे। यदि प्रभु श्री राम यहाँ पर होंगे तब उनका मार्गदर्शन कर पाएंगे, उन वानरों को प्रेरित कर पाएंगे, सामान्य हित के लिए एक कर पाएंगे। भैया, जिस राम नाम के लिए इस संसार की समस्त वानर सेना एकत्रित हो रही है, यदि प्रभु श्री राम यहां पर नहीं होंगे तो भैया सेना का मनोबल टूट जाएगा। भैया और प्रभु, आप हम पर विश्वास कीजिए, माता सीता को खोजे बिना चैन की सांस नहीं लेंगे हम। सुग्रीव, हनुमान, मुझे तुम्हारी योग्यता और मंशा पर तनिक भी संदेह नहीं है, और नीति भी यही कहती है कि सर्वप्रथम गुप्तचरों को ही भेजना चाहिए। आप सीता को खोजिए, मैं और लक्ष्मण यही प्रतीक्षा करेंगे। यहां रहकर वानरों का मनोबल बढ़ाना भी एक बड़ा कार्य है मित्र, और यहां राज्य के अन्य कार्यों में भी मैं आपकी सहायता कर सकूंगा। तुम्हारे मुख पर भय दिख रहा है, अपने उस वनवासी के लिए भयभीत हो? अच्छा है, होना चाहिए। यह मेरा अनुज कुंभकर्ण है, ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है इसे। 6 माह तक निद्रा में रहता है और 6 माह तक ये विनाश का सूचक है, लंका और लंकेश की अभय ढाल है ये, और उन 6 माह में मेरा भाई अजय और अमर है। अब ये मत कहना कि तुम्हारा वनवासी ब्रह्मा के वरदान से लड़ सकता है। कुंभकर्ण जैसे ना जाने कितने योद्धा लंका में, मेघनाथ जैसा प्रतापी पुत्र है जिसने स्वयं इंद्र को परास्त किया है, जिसके पास सभी अमूल्य दिव्यास्त्र है, पशुपातास्त्र, सम्मोहनास्त्र और ब्रह्मास्त्र। क्या लगता है तुम्हारा वो वनवासी लड़ पाएगा इनसे? क्या हुआ? मौन हूं, तुम्हारी आशा के सारे दीपक बुझ गए। स्वप्न है तुम्हारा,
टूटेगा जब मेरे श्री राम आएंगे। तुम्हें क्या लगा मुझे यहां लाकर भयभीत कर दोगे तुम? तुम्हारा ये छल भी मेरा बल बन गया। मेरा विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया कि तुमने मेरा हरण अपने विनाश के लिए किया है, कि श्री राम को ये वनवास तुम्हारे पाप के अंत के निमित्त से मिला है। दृढ़, निडर। रुको सीता, आओ मेरे साथ। विश्वास है ना तुम्हें राम के आने का? तो ठीक है, यह समय तुम्हें एक वर्ष का। ये सूर्य घड़ी देख रही हो, एक दिन में 8 पहर होते हैं। 3,000 पहर दिए तुम्हें। इन 3,000 पहरों के बाद अपनी इच्छा से तुम अपना निर्णय बदल कर मुझसे प्रेम करोगी, मुझसे विवाह करोगी, अन्यथा ये दायित्व मेरा बल निभाएगा। अब से हर क्षण जब तुम राम को स्मरण करोगी तो रावण का विचार भी तुम्हें अवश्य आएगा। जाओ, कर लो अपने राम की प्रतीक्षा, ले लो मेरे धैर्य की परीक्षा। लगते सांसों के धागे भीगे ये नैना सोए न जागे। आग में जले सियाराम, एक है तन और एक है प्राण। तुम्हारे पतिव्रता पर मुझे संपूर्ण अटूट विश्वास है सीते, और मुझे ज्ञात है कि तुम्हारा विश्वास मुझ पर भी अटूट है। हनुमान, प्रणाम प्रभु। वहां क्षितिज की ओर क्या देख रहे थे हनुमान? प्रभु, उस ओर पूर्व दिशा है। मैं सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रहा हूं, ताकि सूर्य के पहले आगमन के साथ ही हम माता सीता की खोज के लिए प्रस्थान कर सकें। आप अपनी सारी शंका, सारी चिंता हम पर छोड़ दीजिए। प्रभु, हनुमान के लिए माता अंजनी और माता सीता में कोई अंतर नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं, चाहे मुझे आकाश पाताल एक ही क्यों ना करना पड़े, मेरे प्रभु श्री राम
और माता सीता का मिलन अवश्य होगा प्रभु। हनुमान के रहते इस राम को कैसी चिंता, कैसी शंका। अब सूर्य की किरण धरती पर पहुंचे या ना पहुंचे, मन में विश्वास की किरण अवश्य आ गई है हनुमान। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी सीता को ढूंढ लोगे। धन्य है श्री राम के प्रति हनुमान का समर्पण और हनुमान पर श्री राम का विश्वास। देवी, श्री राम और भक्त शिरोमणि हनुमान का संबंध केवल भक्त और भगवान का संबंध ही नहीं है, अपितु मित्रता की पराकाष्ठा भी है। राम और हनुमान की ये जोड़ी दो जातियों, दो प्राणियों के निस्वार्थ प्रेम की, मित्रता की गाथा है। इनकी एक दूसरे के प्रति निष्ठा, विश्वास और समर्पण कालांतर तक स्मरण रखे जाएंगे। हनुमान के विश्वास ने तो मेरे मन में भी आशा का दीप जला दिया है। अब तो लगता है कि शीघ्र ही देवी सीता की खोज होगी और रावण के पास से उन्हें छुड़ाने की यात्रा आरंभ हो जाएगी। जो यात्रा इतनी सरल हो देवी, वो ना तो प्रेम की यात्रा ना ही मेरे प्रभु श्री राम की यात्रा हो सकती है। श्री राम की ये यात्रा अत्यंत कठिन है। श्री राम की इस गाथा का केवल एक ही उद्देश्य है कि यदि मनुष्य कोई अभिलाषा रखता है तो उसे पाने का मार्ग अथाह परिश्रम और अथाह समर्पण से होकर ही जाता है। इसीलिए वो हमारे आदर्श है और शीघ्र ही ये संसार भी जान जाएगा कि क्यों राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। मैं कुछ समझी नहीं देवी। कथा में व्यथा क्यों है, यदि ये समय से पूर्व बता दिया जाए तो कथा का आनंद अधूरा रह जाता है। थोड़ा धैर्य रखिए, शीघ्र ही आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि मेरे शब्दों का तात्पर्य क्या है और इस कथा में आने वाली व्यथा का कारण क्या है। साथियों, हम यहां इकट्ठा हुए हैं उस साहस के समर्थन के लिए जिसने वानर समाज को एक नया अर्थ दिया है। हम वानरों के नवीन युग का आरंभ है ये, और अब वचन निभाने की बारी हम वानरों की है। हम संपूर्ण सृष्टि के कोने कोने में माता सीता के चिन्ह खोजेंगे, उन्हें रावण के प्रकोप से मुक्त कराएंगे। वर्षा, ये तो अशुभ संकेत है। हाँ, अशुभ संकेत है। अब हम सब आगे कैसे बढ़ेंगे महाराज सुग्रीव?
चतुर्मास आरंभ हो गया है लंकेश, लंका की अतिथि को सिर पर छत की आवश्यकता है। ये अतिथि बहुत हट्टी है, मारेगी नहीं। वर्षा की बूंदें गिरने दो, वर्षा की बूंदें इसके हृदय पर गिरेंगी और उससे राम का नाम धोकर उसे स्वच्छ कर देगी। इसके उपरांत मैं उस पर रावण का नाम लिखूंगा। लंकेश, आज कुछ उपदेश मंदो मंद उतरिए, मैं अपने उद्देश्य को देखने में बहुत व्यस्त हूं। क्या हुआ? क्या बिजलियों की गड़गड़ाहट मात्र ने वानरों की इच्छा शक्ति को डगमगा दिया है? लक्ष्मण भैया, इच्छा शक्ति तो साथ है किंतु प्रकृति नहीं। वर्षा ऋतु आरंभ होने को है, यहाँ से दक्षिण की वर्षा काल बनकर आती है, नदी जल स्रोत वेगवान हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, ना भैया भोजन मिलता है ना आगे जाने का मार्ग। इस वर्षा काल में वानर अपने अपने घरों में अपने परिवार की रक्षा में जुट जाते हैं। प्रभु, ऐसे में यदि खोजी दल आगे बढ़ा तो उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। बस इसी कारण हमारे वानर सैनिकों के मन में शंका उत्पन्न हो गई है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.